हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ये क्लिप ऑन एकॉस्टिक गिटार पिकअप, जो कि इजीली डिटैचेबल होती है और आप इसे किसी भी एकॉस्टिक गिटार में लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा एक इनबिल्ट इक्वलाइजर पिकअप के साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या ये पिकअप आपके लिए लेना वर्थ है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी ये क्लिप ऑन पिकअप, जो कि करीब मुझे 700 रुपए की पड़ी। अब इस पिकअप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डिटैचेबल है, तो आप किसी भी एकॉस्टिक गिटार में लगा सकते हैं। इसको फिक्स नहीं करना, तो कुछ ड्रिल नहीं करना आपको अपने एकॉस्टिक गिटार में, तो उस चीज़ की भी चिंता खत्म हो जाती है। अब ये पिकअप बेसिकली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि एक्सटर्नल पिकअप इंस्टॉल नहीं कराना चाहते। जैसे कि कुछ गिटार्स होते हैं जिसमें कि आप इंस्टॉल करा सकते हैं अपने एकॉस्टिक गिटार में पिकअप इस तरीके की। ये एक इक्वलाइजर पिकअप होती है विद इनबिल्ट ट्यूनर, तो इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं करीब 1400-1500 से 4-5000 रुपये तक में। तो कई लोगों को होता है कि वो नहीं लगवाना चाहते, उनको डर लगता है कि कुछ खराबी ना हो जाए गिटार में, तो एक तो वो हो जाता है। दूसरा ये कि जो लोग इलेक्ट्रो एकॉस्टिक गिटार नहीं अफोर्ड कर सकते या उनके बजट से बाहर जा रहा होता है, तो उनके लिए पिकअप काफ़ी यूजफुल है। इस पिकअप को मैं 4 गिटार्स के साथ यूज़ करूँगा। पहला गिटार होगा इंटर्न का 38C, दूसरा गिटार होगा आइवनिस MD 39C, तीसरा गिटार होगा कॉट SFX ME और चौथा गिटार होगा कॉट AD810। अगर आप इन सब गिटार्स के डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में। मैं ये सारे गिटार्स बहुत डिटेल में रिव्यू कर चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं। तो कॉट SFX ME को मैं सबसे लास्ट में कंपेयर करूंगा क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट इक्वलाइजर पिकअप है। तो दोनों पिकअप्स के साउंड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक्सटर्नल पिकअप कितनी इफेक्टिव रहती है अगर उसको कंपेयर करें इनबिल्ट पिकअप के साथ। तो जो क्लिप ऑन पिकअप है बेसिकली एक पैसिव पिकअप हो गई। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए, बस प्लग एंड प्ले वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है। और जो इसकी केबल भी है वो काफ़ी लंबी है, करीब 9 फुट की है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा दूर बैठना चाहें अपने एम्पलीफायर से तो आप आराम से बैठ सकते हैं, और अगर आप स्टेज पर परफॉर्म करना चाहें तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। और अगर आप इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो एक कन्वर्टर आता है जिससे कि आप वो कन्वर्टर लगा के एक गिटार वाली केबल और ऐड कर सकते हैं और लेंथ और भी बढ़ जाएगी। और क्वालिटी वाइज जो है ओवरऑल बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल है। जो इसमें यहाँ पे फोम पैड्स लगे हुए हैं वो भी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो ये सालों साल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एज सच। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो मैं आपको 38 इंचेस वाले गिटार पे लगा कर दिखाऊंगा क्योंकि इसमें मेन चैलेंज होता है क्योंकि इसका साउंड होल छोटा है। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगाकर कि कितने इजीली इंस्टॉल हो जाती है। इस पिकअप को लगाना बहुत ही ईजी काम है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये वायर जा रही पिकअप में से ये इधर से निकले, जो पिक गार्ड है उस साइड से निकले, ऊपर की तरफ से ना निकले। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्ट्रिंग्स के नीचे से ले जानी है और यहाँ पर अटैच कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे अटैच हो जाएगी बस। और इधर जैसे क्लैंप है बाकी ये एल शेप का, इसको आप इस तरह ले आइए और ये जब इधर ऐसे फिक्स हो जाएगी देखिए, और उसके बाद आप इसको लॉक कर दीजिए। बेसिकली ये जो एल शेप वाला क्लैंप है इससे लॉक हो जाता है। बहुत ज़्यादा मत इसको आप अंदर तक ले जाइएगा, बस थोड़ा सा अंदर कर दिया तो ये फिक्स हो गई। अब आप चाहें इसको हल्का सा बाहर करके वापस आगे पीछे मूव कर सकते हैं जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, तो ये आराम से लॉक हो गई। अब इस पिकअप में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती आपकी प्लेइंग के साथ, तो ये पिकअप कहीं भी आपके हाथ पे नहीं लगेगी, आपके पिक पे नहीं लगेगी। अगर मैं पिक से भी प्ले करूँगा तो कहीं भी पिक नहीं लग रही इस पर, तो ये चीज़ अच्छी है इसमें, तो काफ़ी ईजिली लग जाती है आपके एकॉस्टिक गिटार में। अब बस कुछ नहीं करना आपको, जो इसका दूसरा एंड है उसको आप एम्प में लगाइए और ऑन कर दीजिए। Thank you.
ओवरऑल मेरे को ये पिकअप काफ़ी डिसेंट लगा, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप एक इक्वलाइजर पिकअप नहीं अफोर्ड कर पाते तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो वायर है वो भी काफ़ी लंबी है तो आपको परफॉर्म करने में स्टेज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये हर गिटार में फिट भी हो जाती है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सारे जो गिटार्स होते हैं 38 इंचेस से लेके 41 इंचेस तक के, उन सब में आराम से फिट हो जाती है और आराम से निकल भी जाती है। बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं है, कोई इक्वलाइजर नहीं है और कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, तो वो सब आपको एम्पलीफायर में करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।